हे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वाटर साइकिल क्या होती है और उसके क्या स्टेप्स और प्रोसेस होते हैं। दोस्तों, वाटर साइकिल को हाइड्रोलॉजिक साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं और ये अर्थ की सरफेस पर ऊपर और नीचे पानी का कंटिन्यूस फ्लो एक्सप्लेन करती है। इस प्रोसेस के दौरान पानी अपनी स्टेट बदलता है एक फेज से दूसरे फेज में, लेकिन पानी के पार्टिकल्स का टोटल नंबर सेम रहता है। इवेपोरेशन, मेल्टिंग, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन और डिपोजिशन तक अलग अलग प्रोसेस के थ्रू पानी अपनी स्टेट चेंज करता है। इन सब प्रोसेस के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत होती है और ये अलग अलग स्टेजेस ऑफ वाटर साइकिल के थ्रू होती है। जैसे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वाटर साइकिल है। पहला, इवेपोरेशन। दोस्तों, सन एनर्जी का एकमात्र सोर्स है और ये अर्थ पर होने वाले इवेपोरेशन को एनर्जी प्रदान करता है। इवेपोरेशन तब होता है जब सरफेस पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो उत्तेजित होकर और ऊपर उठने लगते हैं। सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल्स यानी वाटर वेपर क्लाउड्स में जमा हो जाते हैं। इवेपोरेशन हमेशा पानी के बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है। इवेपोट्रांसपिरेशन जैसी एक प्रोसेस तब होती है जब लीव्स इवेपोरेट करते हैं। ये प्रोसेस एनवायरनमेंट में एक बड़े पैमाने में योगदान करती है। दूसरा स्टेज है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की प्रोसेस तब होती है जब बर्फ बिना पानी में बदले सीधा वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। ये आमतौर पर ड्राई विंड और कम ह्यूमिडिटी के कारण होता है। सब्लिमेशन की प्रोसेस ज्यादातर ऊंचे पहाड़ों पर होती है जहां हवा का दबाव काफी कम होता है। कम हवा के दबाव के कारण बर्फ को स्टीम में बदलने में हेल्प करते हैं क्योंकि इस प्रोसेस में कम एनर्जी यूज होती है। पृथ्वी पर सब्लिमेशन की प्रोसेस का प्राइमरी सोर्स पोल्स को ढकने वाली बर्फ की चादर होती है। थर्ड स्टेज है कंडेंसेशन। ऊंचाई पर कम टेम्परेचर होने के कारण एटमॉस्फेयर में जमी हुई स्टीम ठंडी हो जाती है। ये स्टीम पानी और बर्फ की छोटी छोटी बूंदें बना लेती है जो बाद में एक साथ मिलकर क्लाउड्स बना लेती है यानी बादल बनते हैं। नेक्स्ट स्टेज है प्रेसिपिटेशन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर स्टीम पानी की बूंदों में चेंज हो जाता है। हालांकि ये डस्ट और दूसरी औषधियों के बिना कंडेंस नहीं हो सकता है और इसलिए वाटर वेपर पार्टिकल्स की सरफेस से जुड़ जाते हैं। जब काफी ज्यादा ड्रॉपलेट्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो ये बादलों से बाहर गिरने लगते हैं और नीचे जमीन पर गिरते हैं और इस प्रोसेस को वर्षा यानी प्रेसिपिटेशन कहते हैं। विशेष रूप से ठंडे मौसम में या कम हवा के दबाव में पानी की बूंदें जमा हो जाती है और बर्फ या ओले के रूप में गिरती है। नेक्स्ट है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन के थ्रू प्रेसिपिटेशन या बारिश की बूंदों का पानी जमीन में समा जाता है और एब्जॉर्प्शन का लेवल उस मटेरियल के आधार पर अलग अलग होता है जिसमें पानी स्लाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, पत्थर मिट्टी की तुलना में कम पानी बनाए रखने और ग्राउंड वाटर या झील नदियों के रूप में फ्लो करते हैं, लेकिन कभी कभी ये गहराई तक इकट्ठा हो जाते हैं जिससे जलभृत यानी एक्विफर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट है रन ऑफ। अगर बारिश का पानी जलभृत यानी एक्विफर्स नहीं बनता तो ये ग्रेविटी के साथ फ्लो करता है जो अक्सर पहाड़ों और पहाड़ियों के किनारे से नीचे बहता है। इससे नदियों का निर्माण होता है। इस प्रकार को अपवा यानी रन ऑफ कहा जाता है। ठंडे एरियाज में हिमशील यानी आइस कैप्स तब बनते हैं जब स्नोफॉल की मात्रा इवेपोरेशन और सब्लिमेशन की अमाउंट से ज्यादा होती है। पृथ्वी पर सबसे बड़ी हिमकंड पृथ्वी के पोल्स एरिया पर पाए जाते हैं। आगे समझाई गई सभी स्टेप्स साइक्लिक फॉर्म में चलती है जिनकी ना कोई स्टार्टिंग होती है और ना कोई एंडिंग। अब जानते हैं 4 इम्प्लीकेशंस ऑफ वाटर साइकिल। पहला, वाटर साइकिल का जलवायु पे भारी प्रभाव पड़ता है। दूसरा, वाटर साइकिल भी एक बायो जियो केमिकल साइकिल्स का पार्ट है। तीसरा, वाटर साइकिल पृथ्वी की सारी लाइफ प्रोसेस को अफेक्ट करती है। चौथा, वाटर साइकिल को स्वच्छ वायु यानी प्योर एयर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन और बाकी सब प्रोसेस कैसे होती है जो अल्टीमेटली वाटर साइकिल फॉर्म करती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसकी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोसेस अट्रैक्टिव लगा। और अगर आप मेरे चैनल संजय मीणा पे पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज वाले वीडियो सबसे पहले देख सकें। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।